दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भारतीय टीम इस समय वेस्ट इंडीज में है और ICC टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा मुकाबला जो है वो खेल रही है, जहां पर भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में वेस्ट इंडीज के ऊपर शानदार जीत दर्ज की थी और बहुत ही बड़ी 316 रनों की जीत यहाँ पर टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज के ऊपर दर्ज की थी। और दोस्तों अब टीम इंडिया जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में भी एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करने के बेहद करीब है, जहां पर आपको बता दें कि भारत ने 87 रन पर 7 विकेट जो है वो वेस्टइंडीज़ की पहली पारी में आउट कर दिए हैं, जहां पर इंडियन टीम ने अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए थे और इन 7 विकेट में 6 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए और 1 विकेट मोहम्मद शमी के नाम रहा। और जहां पर दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में ही अपने टेस्ट करियर की पहली हैट्रिक भी जमाई है। और दोस्तों अब टीम इंडिया के पास पूरा मौका होगा यहां पर वेस्ट इंडीज को जल्द से जल्द उनकी पहली पारी में आउट करके उनको फॉल ऑन दे करके इस टेस्ट मैच को एक इनिंग से जीतने का मौका होगा। और दोस्तों इस टेस्ट मैच को एक पारी से जीतने का फायदा यह होगा कि भारतीय टीम की पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट अच्छी रहेगी। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय टीम को इस टेस्ट चैंपियनशिप के तहत कितने मैच खेलने हैं, साथ ही साथ पॉइंट्स टेबल में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है और इसके अलावा फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को कितने मैच जो है वो जीतने होंगे, सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि इस टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स का किस तरह से वितरण होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और क्रिकेट के इनसाइड और आउटसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें डीएनए न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज दौरे के बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जो कि 2 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक चलने वाली है। और दोस्तों इसके बाद फिर बांग्लादेश के साथ में भारतीय टीम को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है, जो कि 14 से 26 नवंबर तक चलने वाली है। और दोस्तों भारतीय टीम का ये सफर जो है वो काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ में इस टेस्ट चैंपियनशिप के लिए मैचेस खेलेगी तो उनको वहाँ पर मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज इस चैंपियनशिप के तहत टीम इंडिया को खेलनी है वो घर में ही खेलनी है, तो वहां पर इतना दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में जाकर ही टेस्ट मैच खेलना होगा। और दोस्तों अब आपको बताते हैं कि भारतीय टीम को इस ICC टेस्ट चैंपियनशिप में कितने मैच खेलने होंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय टीम इस ICC टेस्ट चैंपियनशिप के तहत कुल 18 मैचेस खेलने वाली है, जिसमें से कम टीम इंडिया को 10 मैचों में जीत हासिल करनी होगी अगर उनको 2021 में लॉर्ड्स में खेले जाने वाले इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को खेलना है तो उनको 10 मैच 18 में से जीतने होंगे। और दोस्तों टीम इंडिया अपनी दूसरी जीत के एकदम बहुत करीब पहुंच चुकी है, जहां पर यानी कि वेस्ट इंडीज दौरे के बाद में टीम इंडिया के पास 16 मैचेस बचेंगे और इनमें से भारतीय टीम को केवल 8 में ही जीत हासिल करनी होगी और इस तरह से टीम इंडिया जो है वो फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। और दोस्तों जिस तरह की फॉर्म में टीम इंडिया इस समय चल रही है उसको देखते हुए तो ये बिल्कुल लगता है कि टीम इंडिया जो है वो इस ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहली पक्की दावेदार। दोस्तों अब भारत के अलावा वो कौन सी दूसरी टीम होगी जो कि फाइनल में जा सकती है, इस पर आप अपनी राय जरूर दें। क्या वो ऑस्ट्रेलिया होगी या फिर वो इंग्लैंड होगी या फिर इसके अलावा वो न्यूजीलैंड होगी या फिर और कोई टीम होगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही दोस्तों अब आपको बताते हैं कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स का वितरण किस तरह से होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये वितरण जो है वो 4 तरीके से होने वाला है, जहां पर अगर 2 टीमों के बीच में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है तो यहां पर जीतने वाली टीम को 60 पॉइंट्स मिलेंगे, तो वहीं उस मैच के टाई होने पर 30 पॉइंट दोनों टीमों को, तो वहीं मैच ड्रॉ होने पर 20 पॉइंट दोनों टीमों को मिलेंगे और इसके अलावा हारने वाली टीम को 0 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर 3 टेस्ट मैच की सीरीज है तो इसमें जीतने वाली टीम को 40 पॉइंट मिलेंगे, मैच टाई होने पर दोनों टीमों को 20 पॉइंट, तो वहीं मैच के ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को 13 पॉइंट मिलने वाले हैं और हारने वाली टीम को 0 पॉइंट ही मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर तीसरा मेथड ये है कि जब 2 टीमों के बीच में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज है तो फिर जो टीम मैच जीतेगी उसको 30 पॉइंट, मैच टाई होने पर 15, तो वहीं मैच ड्रॉ होने पर 10 पॉइंट मिलेंगे और मैच हारने पर 0 पॉइंट मिलेगा।
और अंत में दोस्तों जब दो टीम्स के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हो तो फिर यहां पर जो भी टीम मैच जीतेगी उसे 24 पॉइंट, मैच टाई होने पर दोनों टीमों को 12 पॉइंट, मैच ड्रॉ होने पर 10, मैच ड्रॉ होने पर 8 पॉइंट मिलेंगे दोनों टीमों को और मैच हारने पर 0 पॉइंट मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पॉइंट्स टेबल का गणित जो है वो रहने वाला है। इस तरह से मैचेस में पॉइंट्स जो है वो टीमों को वितरित किए जाएंगे और दोस्तों इसी पॉइंट्स टेबल के चलते यहां पर काफी पेचीदा हालात जो है वो उत्पन्न होने वाले हैं इस पॉइंट्स टेबल में। लेकिन दोस्तों आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम वीडियो के माध्यम से टाइम टू टाइम आपको पूरा पॉइंट्स टेबल का गणित समझाते रहेंगे। तो दोस्तों ये तो हुई पॉइंट्स टेबल में टीमों को पॉइंट्स के वितरण की बात। अब बात करते हैं कि इस समय करंट सिचुएशन क्या है पॉइंट्स टेबल की। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय भारतीय टीम 10 पॉइंट के साथ में नंबर एक पर बनी हुई है, जहां पर भारतीय टीम ने केवल एक मैच खेला है और दूसरे मैच में जीत के एकदम करीब है। और अगर टीम इंडिया दूसरा मैच भी जीत जाती है तो फिर यहां पर 120 पॉइंट के साथ वो नंबर एक पर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नंबर दो और नंबर तीन पर न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम है, जहां पर इन दोनों टीमों ने दो दो मैच खेले जिनमें से एक एक जीत तो वहीं एक एक हार है। और इसी के साथ इन दोनों टीमों के 60 पॉइंट्स हैं और इसी के साथ वो नंबर दो और नंबर तीन पर बनी हुई है। और दोस्तों नंबर चार और नंबर पांच की अगर बात करें तो नंबर चार पर ऑस्ट्रेलिया तो वहीं नंबर पांच पर इंग्लैंड की टीम है, जिनके 32-32 पॉइंट हैं। और आपको बता दें कि इन दोनों ही टीमों ने तीन तीन मैच खेले हैं जिसमें से एक एक में जीत एक एक में हार, तो वहीं एक एक मैच इनका ड्रॉ भी रहा है। तो इसी वजह से इसी के साथ ये 32-32 पॉइंट के साथ में नंबर तीन, नंबर चार और नंबर पांच पर बनी हुई है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का पॉइंट्स टेबल का हाल इस समय बना हुआ है और ये दोस्तों ये हाल जो है वो काफ़ी कुछ बदलने वाला है। जैसे जैसे मैचेस होंगे वैसे वैसे ये हाल बदलता रहेगा, तो उसकी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।